उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमान गढ़ी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि जेल में कैदियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कैदियों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए तमाम रिसर्च किए जा रहे हैं, जैसे कि जिलों में गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा खुले जेल की भी व्यवस्था जल्द ही सरकार करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि जब कैदी जेलों से निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। कैदियों के विकास के विषयों को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों की सुविधा के लिए खुली जेलों की व्यवस्था की जा रही है। जेलों के स्तर को सुधारा गया है, व्यवस्थाएं पहले से अच्छी की गई हैं। मंत्री ने कहा कि जैसे कि प्रदेश में सरकार बनी, वैसे ही हमने जेलों में गायत्री मंत्र की शुरुआत की, ताकि जेल में निरुद्ध कैदियों का मन शांत हो और अच्छे कार्यों में लगे। वही कारागार मंत्री ने कहा कि दिन प्रतिदिन हम कैदियों की सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जल्द ही खुली जेल कैदियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कैदियों की हर संभव मदद की जा रही है, कैदियों के रहने, काम करने, ताकि जेल से बाहर निकलने पर उनका जीवन अच्छे से चल सके, इस तरफ सरकार काम कर रही है। वहीं जेलों में हो रही मौतों पर कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है। मुख्तार अंसारी के द्वारा लगातार जेल बदले जाने पर कहा कि मुख्तार अंसारी कैदी हैं और उन्हें कैदी के ही जैसी सुविधा दी जा रही है। कैदी हैं और कैदी की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि दर्शन पूजन के बाद वह पुनः सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कैदियों को लेकर भी कई योजनाएं शामिल आई है, क्या नई योजनाएं सरकार लाने जा रही है कारागारों को लेकर? जैसा कि आप लोग को सारी जानकारी हो, एक खुली जेल की व्यवस्था और हमारी जेलें पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सुधार हुआ है। लगातार जेलों में मौतों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण? रीजन नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मौतों की संख्या बढ़ रही है। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बताइएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या जो व्यवस्थाएं हैं जेलों में, क्या जेल बदली जा रही है? कैदियों को कैदी की तरह रखा जाता है, लेकिन लगातार कैदी के मुख्तार अंसारी की जेलों में बदलाव, असुरक्षा की भावना उन्होंने कई बार बयान भी दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अब कैदी तो बोलेगा, आप भी जानते हो। अच्छा, प्रदेश की जेलों में जो कारागार है, कैदी हैं, उनके लिए अब हनुमान चालीसा और कुछ क्या गायत्री मंत्र के जाप व्यवस्था शुरू हो चुकी है? हम लोग की जैसे सरकार बनी थी, सबसे पहले हम लोगों ने गायत्री मंत्र की शुरुआत की थी, ताकि उनका मन शांत हो, एकाग्र हो और अच्छे कार्यों में लगे। इसके अलावा कौन से नए चीज़ बदलाव ऐसे जाएंगे जेलों में दिए जा रहे हैं, जिससे कि कैदियों को सुविधाएं भी बढ़े? और देखिए, दिन पर दिन हम लोग कैदियों को सुविधाएं दे रहे हैं और नए नए कार्य कर रहे हैं। अभी एक खुली जेल की बात चल रही है और जो भी संभव कैदियों की होती है हम लोग मदद कर रहे हैं, उनके रहने की, उनके काम करने की व्यवस्था बना रहे हम लोग हैं, ताकि उनका जीवन बाहर जैसे कारागार से बाहर आएँ तो उनका जीवन अच्छे से चल सके, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या कोई काउंसलिंग कराने की बात भी है कि कैदियों को आगे में जो काउंसलिंग कराई जाएगी? विचार चल रहा है, वो वैसे वो होता रहता है, आवश्यकता पड़ने पे बुलाया जाता है। ठीक है, मैनपुरी में चुनाव है 5 दिसंबर को, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? अरे चुनाव है तो सब ठीक ही होगा, सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चाहे तो हमको बधाई दे सकते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।